Hello friends, welcome to our YouTube study channel Zero to Hero 24/7. Friends, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे Microsoft acquires TikTok in USA. आप सबको ये पता होगा कि TikTok को इंडिया में कम्प्लीटली बैन कर दिया गया था जून में. इससे TikTok को भी नुकसान हुआ था, बिलियंस का नुकसान हुआ था. और इंडिया की बात करें तो इंडिया में टिकटॉक के जितने भी एम्प्लॉय थे और साथ ही साथ जो यूज़र्स थे जो अर्निंग कर रहे थे वे सारे बेरोज़गार हो गए थे. और जब से इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ तो उसी समय से US प्रेसिडेंट टिकटॉक को बैन करने की बार बार टिकटॉक को थ्रेट दे रहे हैं. और यहाँ पर मैंने BBC का ये आर्टिकल लिया है जहाँ पर US प्रेसिडेंट ने ये कहा है, ट्रम्प सेज ही विल बैन चाइनीज़ वीडियो ऐप इन द USA. और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट ले रहा हूँ जो कि US प्रेसिडेंट ने कल रिपोर्टर्स को दिया था. वी आर लुकिंग एट टिकटॉक, वी मे बी बैनिंग टिकटॉक, वी मे बी डूइंग सम अदर थिंग्स, देयर्स अ कपल ऑफ ऑप्शंस बट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. So we will see what happens, but we are looking at a lot of alternatives with respect to TikTok. Basically, वो reporters को यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि वो जिन Chinese app को वो बंद करना चाहते हैं उनकी list में TikTok भी है. तो friends, ऐसा क्यों कि India में ban के बाद US भी इसे ban कर रहा है? तो चलिए इस पूरी कहानी को समझ लेते हैं. तो TikTok जो है वो USA में इंडिया की तरह ही पॉपुलर है. ये USA में 2018 को आया था, 2018 को USA में आया था और तब से लेकर अब तक केवल USA में इसके 8 करोड़ यूज़र्स हैं. USA में केवल इसके 8 करोड़ यूज़र्स हैं, बट जब से ये USA में आया TikTok उसके एक साल बाद से ही इसके अगेंस्ट US के बहुत सारे लॉ मेकर्स, एडवोकेट्स इसके बैन करने की डिमांड कर रहे थे. और इसका रीज़न सिर्फ एक ही था, डेटा प्राइवेसी. तो क्यों इस डेटा प्राइवेसी को लेकर सब इससे लिंक कर रहे हैं टिकटॉक या चाइनीज़ ऐप से, तो इसको भी समझ लेते हैं. जो एक्चुअल में जो टिकटॉक है वो इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है बाइट डांस. और ये जो बाइट डांस है ये कम्प्लीटली चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है. तो यहाँ पर ये सवाल आता है कि चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है तो क्यों यहाँ पर इससे डेटा थेफ्ट है, तो इसको भी जान लेते हैं. इन सब का सबसे मेन रीज़न ये है कि चाइना का जो नेशनल इंटेलिजेंस लॉ 2017 है उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी जो कि चाइना बेस्ड है या अंडर चाइनीज़ ऑनरशिप है, उन सभी को जब भी चाइनीज़ गवर्नमेंट कुछ भी इंफॉर्मेशन कभी भी मांगेगी उसे देना पड़ेगा. इसी कारण आज पूरे वर्ल्ड में लाइक USA ले लें, इंडिया ले लें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, हर जगह पिछले महीने आपने ये भी सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में साइबर अटैक हुआ था और जिसका वो ब्लेम कर रहे थे चाइना को. तो इन सभी देशों में ये डेटा थेफ्ट का डर बना हुआ है और वो भी किसके कारण? चाइनीज़ ऐप के कारण. अभी आप इंडिया में कुछ और ऐप के बैन के बारे में सुन रहे होंगे जिसमें से एक ऐप है PUBG. लेकिन PUBG तो चाइनीज़ ऐप है नहीं, इसे एक साउथ कोरिया के डेवलपर ने बनाया था. लेकिन जो मेन रीज़न इसके ऐप को बैन करने की बात किया जा रहा है वो ये है कि इसमें जो मेजॉरिटी ऑनरशिप है वो चाइनीज़ की ज़्यादा है, चाइनीज़ कंपनी की. इसलिए ये भी चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न की जाती है, जो कि ये लॉ कहता है. कौन सा? ये नेशनल इंटेलिजेंस लॉ. तो बेसिकली टिकटॉक को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बैन करने का मेन रीज़न यही चाइनीज़ लॉ है. और अब यही स्टेप US प्रेसिडेंट उठाएंगे, ऐसा उनका कहना है, जैसा कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है पिछले दिनों और पिछले महीनों से वो देते आ रहे हैं. बेसिकली अभी वो एक थ्रेट दे रहे हैं टिकटॉक को. तो यहाँ पर व्हाइट हाउस के एक इकोनॉमिक एडवाइज़र ने जुलाई मंथ में कहा था कि अगर टिकटॉक अपने आप को चाइना से बाहर निकाल लेता है और एक इंडिपेंडेंट अमेरिकन कंपनी की तरह अगर ऑपरेट करता है USA में,
तो उसे यूएसए कंसीडर कर सकता है, मतलब यूएसए में। तो इन्हीं सब को देखते हुए जो टिकटॉक है, इस थ्रेट के कारण कि उसकी कंपनी बैन ना हो जाए यूएसए में, क्योंकि उसने ऑलरेडी लॉसेस इंडिया के कारण झेल चुका है, तो उसने माइक्रोसॉफ्ट से बात करना स्टार्ट हुआ। और ये यहाँ पर मैंने ये आर्टिकल ब्लूमबर्ग से लिया है, माइक्रोसॉफ्ट इज़ इन टॉक्स टू बाय टिकटॉक इन यूएस। और टिकटॉक ने यूएस माइक्रोसॉफ्ट से बात करना स्टार्ट किया, और आज ये न्यूज़ आ रही है कि टिकटॉक चाइनाज बाइट डांस अग्रीज टू डाइवेस्ट यूएस ऑपरेशन आफ्टर ट्रम्प थ्रेट। तो न्यूज़ ये आ रही है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने एक्वायर कर लिया है टिकटॉक को $5 बिलियन में। जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने एक्वायर कर लिया टिकटॉक इन यूएसए, सिर्फ यूएस के लिए $5 बिलियन में। तो इसमें हुआ क्या है, ये स्टेटमेंट था सोर्स के थ्रू। अंडर द न्यू प्रपोज डील, बाइट डांस जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, वुड एग्जिट कम्प्लीटली एंड माइक्रोसॉफ्ट वुड टेक ओवर टिकटॉक इन द यूएसए। और इसके बाद क्या होगा, इस प्रपोजल के बाद जो माइक्रोसॉफ्ट है वुड बी इन चार्ज ऑफ प्रोटेक्टिंग ऑल यूएस यूज़र डेटा। तो जब एक्वायर कर लिया माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को, तो 100% टिकटॉक का एक्वायर माइक्रोसॉफ्ट के अंडर हो जाएगा। और अब यहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी डेटा थेफ्ट या फिर सिक्योरिटी, इन सब का कोई भी थ्रेट नहीं रहेगा इसके बाद। तो और यहाँ पर एक चीज़ और ये भी कहा जा रहा है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट चाहे तो आने वाले समय में ये टिकटॉक को किसी अदर यूएस कंपनी को भी दे सकता है। तो इस डील के बाद अब यूएस का डेटा कम्प्लीटली यूएसए में ही रहेगा, और चाइना के पास इसको लेकर किसी भी तरह का एक्सेस नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये था पूरा मामला कि आफ्टर ऑल लास्टली जो टिकटॉक है उसको एक्वायर माइक्रोसॉफ्ट ने कर लिया। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में टिकटॉक इंडिया में भी ये चीज़ अप्लाई कर सकता है एज अ माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू, कि वो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ आकर के टिकटॉक को एक्वायर कर ले। तो मे बी ये मतलब जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि टिकटॉक मे बी इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू स्टार्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा न्यूज़। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।